एनसीपी किसकी है, इसके लिए पैतरेबाजी लगातार जारी है। अजित पवार गुट ने दावा किया है कि उनके पास 40 विधायकों का समर्थन हासिल है। अजित पवार ने पार्टी का नया दफ्तर भी खोल डाला। उधर शरद पवार गुट की ओर से महाराष्ट्र के अलग अलग जगहों पर बैठकों का दौर चल रहा है। शरद पवार ने तो बागी गुट को चेतावनी देते हुए यहां तक कह दिया कि कोई भी उनकी तस्वीर का इस्तेमाल बिना उनकी इजाजत के नहीं कर सकता है। दोनों ओर से मोर्चेबंदी जारी है क्योंकि कल यानी कि 5 जुलाई को शरद पवार और अजित पवार दोनों ने पार्टी पदाधिकारियों की बड़ी बैठक बुलाई है। पार्टी पर कब्जे के शक्ति परीक्षण से पहले आज उद्धव ठाकरे की पार्टी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी डाली गई है और मांग की गई है कि एकनाथ शिंदे गुट के विधायकों की अयोग्यता के मसले पर स्पीकर 2 हफ्ते के अंदर फैसला करें। इन सारी हलचलों के बीच अब सवाल यही है कि क्या शिवसेना की तरह एनसीपी के बागी गुट को साथ लेकर बीजेपी ने महाराष्ट्र में एक तीर से कई शिकार कर लिया है। क्या उद्धव ठाकरे के अलग होने के बाद महाराष्ट्र में मजबूत दिख रही अघाड़ी फिर से कमजोर पड़ गई है और क्या बीजेपी ने एकनाथ शिंदे गुट के अयोग्य करार दिए जाने के खतरे से बचने के लिए ही एनसीपी के बागी गुट को साथ में ले लिया है। महाराष्ट्र की राजनीति पिछले 2 दिनों में हाइपर एक्टिव मोड में चल रही है। एनसीपी शरद पवार की है या अजीत पवार की, इसे लेकर पैतरेबाजियां शुरू हो चुकी हैं। उधर कांग्रेस की मीटिंग में चर्चा हो रही है कि नेता विपक्ष का पद ही उसे मिल जाए, लेकिन बागियों के हाथों सत्ता और पार्टी गवा चुके उद्धव ठाकरे गुट ने सुप्रीम कोर्ट में स्पीकर के खिलाफ ही अर्जी डाल दी है। पहले एनसीपी के कोहराम की खबर। अजीत पवार की बगावत के बाद एनसीपी पर दावे की जंग शुरू हो गई है। एक तरफ अजीत पवार गुट की ओर से एनसीपी के नए दफ्तर के उद्घाटन के मौके पर चाबी ही नहीं मिली तो हंगामा शुरू हो गया। उधर नागपुर में एनसीपी के पुराने दफ्तर के बाहर शरद पवार के समर्थन में पोस्टरबाजी तो खूब हुई, लेकिन मीटिंग में कोई नेता नहीं पहुंचा था। इधर अजीत पवार कैबिनेट मीटिंग में भी शामिल होने लगे। उधर पार्टी पर दावेदारी के लिए पवार गुट ने 2/3 विधायकों से भी अधिक नंबर होने का 40 चांगला नंबर है। लेकिन पार्टी पर कब्जे की बात सिर्फ विधायकों के समर्थन से नहीं बनेगी। साल भर पहले महाराष्ट्र ने शिवसेना के बंटवारे की जो कहानी देखी थी, अब एनसीपी के बंटवारे का किस्सा भी उसी राह चल पड़ा है। जो क्रिमिनल लोग होते हैं उनके एक मोडस ऑपरेंडी होते हैं काम करते, जो सीरियल किलर्स होते हैं, सीरियल रेपिस्ट होते हैं, सीरियल करप्शन वाले लोग होते हैं, उस तरह से ये सीरियल पार्टी तोड़ने वाले थे। अब मामला 2 जगह जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष फैसला लेंगे कि अजीत पवार गुट को मान्यता देनी है या नहीं। चुनाव आयोग को तय करना है कि असली एनसीपी कौन है और इसके लिए सिर्फ विधायकों, विधान परिषद सदस्यों, लोकसभा और राज्यसभा सांसदों के अलावा पार्टी पदाधिकारियों के समर्थन पर भी विचार किया जाएगा। यही वजह है कि अब 5 जुलाई को शरद पवार और अजीत पवार दोनों ने पार्टी पदाधिकारियों की बैठक बुलाई है। शरद पवार ने तो पार्टी पदाधिकारियों से हलफनामा लेकर आने को कहा है। फिलहाल विधानसभा स्पीकर विधायकों के बहुमत के आधार पर फैसला कर सकते हैं। वो पॉलिटिकल पार्टी कौन रिप्रेजेंट करता है, जब मेरे सामने ये विवाद है, जब 2 व्यक्ति उस पॉलिटिकल पार्टी की लीडरशिप क्लेम कर रहे हो, तब सर्वप्रथम मुझे ये तय करना पड़ेगा कि उस पॉलिटिकल पार्टी की लीडरशिप कौन है, कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, और उसके अनुसार मुझे विप को रिकॉग्निशन देना पड़ेगा। वैसे स्पीकर के पास अभी शिवसेना की बगावत वाला केस भी है, जिसमें उन्हें एकनाथ शिंदे गुट के विधायकों की अयोग्यता पर फैसला करना है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर पर ही वो फैसला छोड़ा था, लेकिन स्पीकर की ओर से हो रही देरी के खिलाफ अब उद्धव गुट सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। उद्धव ठाकरे की पार्टी का आरोप है कि स्पीकर जानबूझकर अयोग्यता वाले मसले को लेकर फैसले में देरी कर रहे हैं। विधायक सुनील प्रभु ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी देकर गुहार लगाई है कि 3-3 ज्ञापन देने के बावजूद स्पीकर फैसला नहीं ले रहे, लिहाजा अदालत 2 हफ्ते के अंदर स्पीकर को फैसला करने का निर्देश दे। सर्वोच्च न्यायालय महाराष्ट्रातल्या आमदारांवरती फुटलेल्या आमदारांना अपात्र ठरवलं जाईल, त्यात मुख्यमंत्री शिंदे सुद्धा आहेत, आणि तोच निकाल राष्ट्रवादीच्या फुटलेल्या गटाला लागू करू शकतो 100%।
I don't think the elections to assembly will be too far. There will be immediate elections. The Supreme Court will have to intervene in such situation. हालांकि स्पीकर को फैसला लेने के लिए 10 अगस्त तक का समय है, लेकिन उससे पहले मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। लेकिन फिलहाल सबकी नजर 5 जुलाई पर टिकी है, जिस दिन शरद पवार और अजीत पवार दोनों ने पार्टी पदाधिकारियों की बैठक बुलाई है। आज तक देखो।